हेलो, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 वालों के लिए यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 हिंदी का 100 मार्क्स लैंग्वेज पेपर का, जो भी छात्र रखे हैं चैप्टर नंबर 5 रोज, जिनके लेखक है सचिदानंद हीरानंद वाटसन अज्ञे, ठीक है। इसका शॉर्ट नेम अज्ञे है। तो यहाँ पर हम लोग चैप्टर वाइज प्रश्न देख रहे हैं जो आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं 50% ऑब्जेक्टिव का यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है, जो रोज चैप्टर से लिए गए हैं। इसी तरीके के आप लोगों को हर एक चैप्टर का यहाँ पे क्वेश्चन सब देखने को मिल रहे हैं, साथ में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मॉडल सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट का देखने को मिलता है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर देना, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाहते थे, ये ऑफिशियल वेबसाइट है starcustodypoint.com का, तो जाके आप लोग इस पर प्रैक्टिस सेट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं रोज चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न। तो सबसे पहले मैं आपको बताया था कि जो भी इनके लेखक हैं, जो भी चैप्टर मैं बता रहा हूं, उनके लेखक का सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो जीवन परिचय, लेखक परिचय जानेंगे, क्योंकि इसी से कई सारे क्वेश्चंस आप सभी को देखने को मिलेंगे। अभी जस्ट हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा। तो चलिए जो रोज चैप्टर के लेखक हैं सचिदानंद हीरानंद वाटसन अज्ञे, इनके बारे में जानते हैं। इनका जन्म हुआ था दोस्तों 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश में, निधन हुआ था 4 अप्रैल 1987 में, ठीक है। तो जन्म और निधन आप लोगों को याद रखना होगा। उसके बाद जन्म स्थान की बात करेंगे तो कसेया कुशीनगर जिला है, उत्तर प्रदेश राज्य है, मूल निवास करतारपुर पंजाब के हैं, ठीक है। जन्म स्थान यहाँ पे है, मूल निवास करतारपुर पंजाब के। माता पिता, देखिए माता का नाम था वेंती देवी एवं डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, इनके पिता का नाम था जो प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे, ठीक है, पुराने चीज़ों को जानकारी रखने वाले। तो यहाँ पर हीरानंद शास्त्री इनके पिताजी के नाम हो गया। शिक्षा के बारे में अगर बात करेंगे तो प्रारंभिक 4 साल लखनऊ में घर पर ही रह गए, मैट्रिक 1925 में किया। देखिए 1911 में जन्म हुआ था तो 1925 में इन्होंने मैट्रिक पास किया पंजाब विश्वविद्यालय से, ठीक है। इंटर 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किया, बीएससी 1929 फोरमन कॉलेज से किया, उसके बाद लाहौर पंजाब, वर्तमान जो पाकिस्तान में अभी पढ़ा है, वहाँ से एमए किए हैं अंग्रेजी में, ठीक है, लाहौर से। क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार हो जाने से आगे की पढ़ाई रुक गई है। भाषा विज्ञान, संस्कृत जानते हैं, अंग्रेजी हिंदी के अतिरिक्त फारसी तमिल आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान था। व्यक्तित्व एवं स्वभाव, सुंदर लंबा गठिला शरीर था, सुरुचि सुव्यवस्था एवं अनुशासन प्रियता, एकांत प्रिय अंतर्मुखी स्वभाव, गंभीर एवं चिंतनशील, मितभाषी, अपने मौन एवं मितभाषण के लिए प्रसिद्ध थे। पिताजी का तबादला होते रहने के कारण लखनऊ, कश्मीर, लाहौर, पटना, मद्रास आदि स्थानों पर उनके साथ रहने और परिभ्रमण का संस्कार जो है बचपन में ही इनको मिल गया था, ठीक है। तो ये सारे थे इनके व्यक्तित्व एवं स्वभाव। अब चलिए जानते हैं इसके अभिरुचि। बागवानी, पर्यटन, अध्ययन आदि के अलावा दर्जनों प्रकार के पेशेवर कार्यों में दक्षता हासिल था। फोटोग्राफी, हस्तकला, शिल्प आदि में प्रवीणता, यूरोप, एशिया, अमेरिका सहित कई देशों की साहित्यिक यात्राएँ भी उन्होंने किए हैं। सम्मान एवं पुरस्कार, साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला है। उसके बाद यहाँ पे सुगा युगोस्लाविया का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाल आदि पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में भी आमंत्रित किए जा चुके हैं। पत्रकारिता के बारे में अगर बात करेंगे तो सैनिक आगरा, विशाल भारत कोलकाता से, प्रतीक प्रयाग से, दीनमान दिल्ली से, नया प्रतीक दिल्ली से, नव भारत टाइम्स दिल्ली, थॉट वॉक, एवरी मैंस अंग्रेजी में संपादन किए हैं, ठीक है। तो ये था इनके पत्रकारिता। अब चलिए कृतियाँ, क्या क्या उन्होंने लिखे हैं, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेंगे। देखिए 10 वर्ष की अवस्था में कविता लिखनी शुरू कर दी थी, बताओ अभी के समय में 10 वर्ष में क्या क्या होता है आप लोग खुद जानते होंगे। पहले की बात है, 10 साल में ही उन्होंने कविता लिखनी शुरू कर दी थी। लेखन हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। बचपन में खेलने के लिए इंद्रसभा नामक नाटक लिखा। घर में एक हस्त लिखित पत्रिका आनंद बंधु निकालते थे। 1924-25 में अंग्रेजी में एक उपन्यास लिखा था। 1924 में पहली कहानी इलाहाबाद की स्काउट पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुआ। 1930 के बाद नियमित लेखन, बिपथगा, जय डोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोरा हुआ रास्ता, लौटती पंगडंडिया आदि कहानी संकलन है ये सारे। उसके बाद शेखर एक जीवनी प्रथम भाग 1941 में, फिर द्वितीय भाग 1944, नदी के द्वीप 1952 में, अपने अपने अजनबी 1961, सभी उपन्यास है ये सारे, ठीक है। उसके बाद देखो
उत्तर प्रियदर्शी 1967 ये नाटक है इनका। भग्नदूत चिंता इत्यलम हरी घास पर क्षण भर बावरा अहेरी आंगन के पार द्वार कितनी नौ में कितनी बार सदा नीरा ऐसा कोई घर आपने देखा है आदि ये सारे कविता संकलन है ठीक है। अरे यायावा रहेगा याद 1953 में, एक बूंद सहसा उछली 1961 में, ये सारे यात्रा साहित्य था। त्रिशंकु आत्मनिपद आलवाल अद्यतन भवंती अंतरा शाश्वती सोवंसर आदि सभी निबंध थे। तार सप्तक ये पूछा जाता है कि तार सप्तक किनकी रचना है तो अज्ञेय जी का। दूसरा सप्तक भी, तीसरा सप्तक भी, चौथा सप्तक भी, पुष्करणी रूपांबरा नेहरू अभिनंदन ग्रंथ आदि ये सभी संपादित ग्रंथ है। उसके बाद है शरत चंद्र के श्रीकांत जैनेन्द्र कुमार के त्यागपत्र तथा अपने उपन्यास अपने अपने अजनबी सहित अनेक कृतियों का अंग्रेजी अनुवाद भी किए हैं। और उसके बाद रविंद्रनाथ ठाकुर के गोरा का हिंदी अनुवाद भी किए हैं ठीक है। तो ये सारे थे इनके कृतियाँ, लेखक, निबंध, उपन्यास, कविता, ये सारे चीज़ लिखते थे ठीक है। तो चलिए हम लोग अब इस पर रिलेटेड, इससे पे आधारित, रोज चैप्टर से आधारित जो आप सभी के बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है रोज चैप्टर का, निम्नलिखित में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख किया गया। देखिए गैंग्रीन शब्द का जो उल्लेख हुआ है ये आप लोगों के रोज चैप्टर में ही किया गया है, जिनके लेखक है अज्ञेय जी ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया यहाँ पे, एक का बी करेक्ट हो जाएगा रोज। सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं कि मालती जो है किस कहानी की पात्रा है। देखिए मालती जो है ये रोज चैप्टर की ही पात्रा है ठीक है, मालती। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी करेक्ट हो जाएगा। और मालती के पति का नाम भी पूछा जाता है, ये सब चीज़ आपको याद रखना होगा ठीक है, महेश्वर नाम रहता है। थर्ड नंबर, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं है क्या। देखिए रोज शीर्षक कहानी में पूछता है, लेखक ने पूछता है कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं, तो ये तीन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए लेखक ने ही यहाँ पे पूछता है ठीक है। सचिदानंद हीरानंद वाटसन अज्ञेय द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है। देखिए तो लिखी हुई कहानी अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वही है रोज चैप्टर चार का बी। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है जो हम लोग पिछले पढ़े थे। पाँच नंबर, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है। देखिए महेश्वर की पत्नी का नाम या फिर मालती के पति का नाम, दोनों एक ही क्वेश्चन हुआ। मालती के पति का नाम जो है वो महेश्वर रहता है, क्या रहता है महेश्वर ठीक है। इसका मतलब पत्नी का नाम क्या हो गया, मालती हो गया। तो पाँच का सही उत्तर ए करेक्ट हो जाएगी। चलिए सिक्स नंबर देखते हैं कि लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था। देखिए लेखक जो है कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था, तो ये चार वर्ष के बाद मिलने आया था ठीक है। तो सिक्स का सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी करेक्ट हो जाएगी। सेवन नंबर, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। देखिए मालती के जो पति है महेश्वर वो किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे, पथरी, कैंसर, गैंग्रीन, इनमें से कोई नहीं, तो ये था गैंग्रीन नामक बीमारी का ठीक है। तो सेवन का क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। एट नंबर देखते हैं, कहा गया है कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिलता है। देखिए भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा सिर्फ और सिर्फ एक ही पुरस्कार मिलता है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आठ का सी ठीक है। चलिए नाइन नंबर देखते हैं कि अज्ञेय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो वो था पत्रिका सेवा में। किस में, तो पत्रिका सेवा में। तो नाइन का सही उत्तर सी करेक्ट हो जाएगी, कहानी की बात हो रही है। अगला, रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशे से जुड़ा था। देखिए वो था मालती के पति था, और मालती के पति का नाम क्या था, महेश्वर था। उन्होंने ही क्या किया, डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था। तो 10 का सही उत्तर बी। 11 नंबर देखते हैं, अज्ञेय जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया। देखिए अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे तो मात्र 10 सालों के थे, कितने साल के थे, मात्र 10 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने कविता जो है लिखना शुरू कर दिया था ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 11 का ए। 12 नंबर देखते हैं कि तार सप्तक का संपादक कौन है। देखिए तार सप्तक का जो संपादक है, अभी जस्ट हम लोग पढ़े, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चतुर्थ सप्तक, ये सारे सचिदानंद हीरानंद वाटसन अज्ञेय के ही है। तो 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा।
चलिए 13 नंबर देखते हैं कि नदी के द्वीप किसकी रचना है। तो नदी के द्वीप की अगर बात करेंगे तो ये भी अज्ञेय जी के द्वारा ही लिखा गया है। तो सही उत्तर 13 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगी। चलिए 14 नंबर देखते हैं कि अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था। तो देखिए अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था वो कितनी नावों में कितनी बार के लिए मिला था। तो सही उत्तर 14 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगी। 15 नंबर देखते हैं कि अज्ञेय का जन्म हुआ था। देखिए अज्ञेय जी का जन्म हुआ था कब, तो अज्ञेय का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को, ठीक है, कहाँ पे, तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। अज्ञेय के पिता का नाम क्या था, तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, क्या नाम था, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, जो पुरातत्व वेता थे, ठीक है। अगला उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार, देखिए उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार जो है वो अज्ञेय जी ही है, तो 17 का सही उत्तर बी। चलिए 18 नंबर देखते हैं, सारे प्रश्न आपको बनते हुए चले जाएंगे। शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है, तो शेखर एक जीवनी एक उपन्यास है, तो ऑप्शन नंबर 18 का सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। 19 नंबर है कि अज्ञेय की माँ का नाम क्या था, देखिए अज्ञेय की माँ का नाम बेंती देवी थे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 19 का बी करेक्ट हो जाएगी। और यहाँ पे पिता का नाम हीरानंद शास्त्री, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 19 तक क्वेश्चंस किए हैं रोज चैप्टर से, जिनके लेखक थे अज्ञेय जी, ठीक है। इनका जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ था, कहाँ पे हुआ था, तो यूपी में कुशीनगर, ठीक है। तो ये सब चीज़ पूछा जाता है कई बार, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं जो इम्पोर्टेंट थे। तो चलिए अगले वीडियोज में हम लोग लेकर आते हैं इसके अगला चैप्टर, और मॉडल सेट की तैयारी आप लोग करते रहिए। चलिए बाय बाय सभी को।